अस्सलाम वालेकुम मेरे अपनों, मेरे प्यारों, उम्मीद है आप खैरियत होंगे अपने घरों में। लेकिन ना छोटा सा स्वीट सा ना ऐसा ब्लॉग शेयर कर लेती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ कोफ्ते आलू। तो बस ये बर्तन वर्तन धो के काम करके बाकी फिर हम तैयारी करेंगे कोफ्ते आलू की। तो मैं लेकिन आपके साथ शुरू से शेयर करें, ये नाश्ते के बर्तन थे तो इसलिए मैं धोने लगी हूँ। धोने के बाद फिर हम चलते हैं कोफ्ते आलू की तरफ। तो इसलिए अनाया चली जाती है अपनी नानी की तरफ, तो इसलिए फिर बाद में मैं काम से मेट रही होती हूँ आराम आराम से। तो अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलना, दुआ में याद रखना। तो ये मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी हैं, प्याज भी बहुत बारीक बारीक कोफ्तों में डलती है, हरा धनिया भी, और बस मैं खशखश और चने पीस के कीमे में ऐड करूँगी। तो बस कोफ्ते बना लेंगे फिर गोल गोल। ये प्याज मसाले के लिए ये पीसूंगी अभी, क्योंकि ऐड करेंगे मसाला बनाएंगे इससे, दही ऐड करेंगे और ये प्याज, ये चने हैं और ये खशखश। खशखश को मैं भिगो दूंगी क्योंकि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, फिर धो लूँगी इसको। फिर धोने के बाद इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके पीस लूँगी, पीसी में वो प्याज पीस लूँगी जो मसाले की है। तो मैं लेकिन आपके साथ शेयर करती रहूँ एक ही बात, और आपको वैसे दिख भी रहा होगा और वैसे मैंने कहा मुँह से ही बता दूँ। तो ये सारी चीज़ें कीमे में ऐड होंगी, तो बस एंड तक दिखाऊंगी, ये नहीं कि मैं बस थोड़ा थोड़ा दिखाऊं। ब्लॉग दिखाना चाहिए तो पूरा शेयर करना चाहिए कुकिंग का। तो ये पीस रही हूँ खशखश और चने, अब ये पीस लूँगी ना, इसमें ही मैं प्याज ऐड कर लूँगी। ये पीस लिया मैंने इतना बारीक बारीक, ये दाना नहीं आया इसलिए पीसा है ये बारीक बारीक। तो बस अब ये कीमे में मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें, खाली इसमें मैं नमक डालूंगी कीमे में। अब ये प्याज में पीसने लगी हूँ, मैंने ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। ये दही भी मैं इसलिए पीस वो फेटी लगा रही हूँ इसमें, कि ना दाना नहीं आया, दही में दाना है ना तो सालन ख़राब लगता है, जैसे दाना दाना आता है सालन में। और मैंने एक अंडा भी ऐड किया है कीमे में, और ये चीज़ें ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह, कि ये अच्छी तरह हल हो जाए इसके अंदर सारे मसाले। हरा ही मसाला डाला है इसमें और एक अंडा डाला है मैंने, और क्या कहते हैं थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। बस बन चुके हमारे कोफ्ते, अब मैं मसाला बनाने जाऊंगी तो आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलना, दुआ में याद रखना। आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों की मोहब्बत चाहिए, मैं आपके लिए ही बनाती हूँ अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आती हूँ अपनों के लिए, प्यारों के लिए। तो ये मैं इसमें पिसी मिर्ची ऐड कर रही हूँ दही के अंदर, आपकी मर्ज़ी है आप जितनी खाना चाहें, वैसे आपके मैं कम रख रही हूँ वरना मैं तेज़ खाती हूँ। लेकिन मेरा नहीं, घर पे भी अगर मैं भेजने लगी मम्मा की तरफ तो ज़रा हल्की मिर्ची डालूँ। और इसमें मैंने नमक डाला है प्याज में, और ये हल्दी मैं ऐड करने लगी हूँ दही के अंदर ही, पिसी मिर्ची, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ये चीज़ें ऐड कर ले रही हूँ मैं। फिर मैं ऑयल गरम होगा फिर प्याज को अच्छी तरह अदरक लहसुन में भूनूंगी, भूनने के बाद ये फिर दही ऐड कर दूंगी मसाले समेत। तो ये मैं भून रही हूँ अदरक लहसुन में प्याज और खशखश, अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी। तो मैं लेकिन आपको एंड तक दिखाऊँ, ब्लॉग अच्छा लगेगा ब्लॉग तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना हमारा कोफ्तों का तरीका। तो हम तो भाई ऐसे ही बनाते हैं अपनी मम्मा की तरह, बस ये कि तरीका वही होता है, कोफ्तों का साइज़ छोटा हो कि बड़ा हो वो तरीका फ़र्क होता है। और दूसरी बात कि इसमें क्या कमी होती है, हाँ हरा धनिया बस ऐड किया है मैंने बाद में जब ये बिल्कुल तैयार हो गए, और हरी मिर्चें मैंने पहली दफ़ा ऐड किए हैं मैंने, वरना मम्मा भी ऐड नहीं करती। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर करना ना भूलना, दो में ही